बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीके कुक फूड में खुश आमदीद करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम व्यूवर्स हैं वो ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज आपके लिए बहुत ही मज़े की मैं 5 मिनट की केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि वाकई में 5 मिनट में मैंने इसे सैंडविच मेकर में रेडी किया है। ये केक बहुत ही यम्मी, सॉफ्ट एंड स्मूथ से रेडी होकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं, आप इसे चाहे बच्चों का लंच बॉक्स में बना कर दें, चाहे आप टी टाइम के तौर पर बनाएं या इवनिंग स्नैक्स के तौर पर बनाएं, तो बहुत यम्मी से ये केक रेडी होते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसके अंदर मैंने एक अदद अंडा शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 3 टेबल स्पून शुगर के, 3 चम्मच चीनी के, 1, 2 एंड 3 टेबल स्पून शुगर के हो गए हैं। अब इसको अच्छी तरह से मैं अंडे और चीनी को इतना बीट कर लूँगी। अंडा और चीनी को मैंने इतनी ज़बरदस्त तरीके से बीट करना है कि अंडा हमारा फ्लफ़ी सा हो जाए, इसकी कंडेंसिटी भी बढ़ जाए, और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है दोनों चीज़ों की। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, अंडा हमारा अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाएगा, बीट हो जाएगा और फ्लफ़ी सा हो जाएगा। बहुत यम्मी से केक रेडी होने वाला है। इसके अंदर मैंने कोई मुश्किल इंग्रेडिएंट चूज़ नहीं किया, नॉर्मली वही इंग्रेडिएंट चूज़ किए हैं जो नॉर्मली हमारे घरों में आम रूटीन में मौजूद होते हैं। कोई ऐसा मुश्किल इंग्रेडिएंट्स नहीं है। तो आप देख सकते हैं, मैं अंडे को बीट करती जा रही हूँ सलसल तकरीबन 5 मिनट तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडा हमारा अच्छे तरीके से बीट हो चुका है, फ्लफ़ी सा हो चुका है और इसकी कंडेंसिटी भी बढ़ चुकी है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1/4 कप ऑयल का, यानी 1 कप का 1/4 हिस्सा डालूँगी। नॉर्मली कुकिंग ऑयल जो कि आप खाना बनाने वक्त यूज़ करते हैं, वो वाला ऑयल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 कतरे जो है वनीला सन्स के डाले हैं। अब इस दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लूँगी। वनीला सन्स डालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वनीला सन्स से अंडे की बदबू ख़त्म हो जाती है और केक में खुशबू सी आती है बहुत ज़बरदस्त। तो ये देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1/2 कप मैदे का। ठीक, देखें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1/2 कप मैदा। 1/2 कप मैदा यहाँ पे मैं छान कर डालूँगी ताकि जो गुठलियाँ वगैरह वो भी अच्छे तरीके से पाउडर बन जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैदे को मैंने छान लिया है अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप जो इंग्रेडिएंट्स है वो है हमारा बेकिंग पाउडर। यहाँ पे बेकिंग पाउडर जो है, मैंने बेकिंग सोडा नहीं इस्तेमाल किया, बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। तो बेकिंग पाउडर यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून यूज़ किया है, मतलब आधी चाय की चमची यहाँ पे यूज़ किया है। इसको भी मैंने अच्छे तरीके से छान लिया। अब इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्सिंग कर लूँगी दोनों चीज़ों को। आपने इतना ज़बरदस्त मिक्सिंग करूँगी कि जो इसमें लम्स वगैरह गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी ना बने। अगर आपको इस पॉइंट पर लगे कि आपका बैटर बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, उसको बीट करने में मुश्किल हो रही है, सख्त हो चुका है, तो आप यहाँ पर 1 से 2 चाय के चम्मच दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 2 टीस्पून दूध की शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आपको लगे कि आपका बैटर बहुत ज़्यादा थिक हो गया है या बीट करने में मुश्किल हो रही है, देख सकते हैं मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है, मेरा बैटर जो है इतना ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो चुका है, इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके अंदर मैंने कोई और इंग्रेडिएंट शामिल नहीं करना, सारे इंग्रेडिएंट्स जो डाल चुके हैं। अब इसको स्पैचुला की मदद से मैं अच्छे तरीके से इक्वल कर लूँगी। देख सकते हैं कितना स्मूथ एंड सॉफ्ट जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। बिल्कुल इक्वली तौर पे लम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने सैंडविच मेकर को प्री हीट कर लिया है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसको ऑयल के साथ अच्छी तरीके से मैं ग्रीस कर लूँगी। ग्रीस करने से ये होता है कि हम जिसके अंदर जब बैटर डालेंगे तो वो हमारा जो बैटर है साथ नहीं चिपकेगा सैंडविच मेकर के, ऊपर नीचे से दोनों साइडों से मैं इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ग्रीस हो चुका है। अब इसके अंदर मैं चम्मच की मदद से सारा बैटर जो अप्लाई कर दूंगी। तो ये देखिए, मैंने चम्मच की मदद से सारा बैटर जो अप्लाई कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच की मदद से मैं इनकी चारों साइडों पे बैटर को डाल दूंगी एक ही डायरेक्शन में, चारों साइडों से बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने चारों साइडों पे बिल्कुल इक्वली तौर पे डाल दिया सैंडविच मेकर के अंदर ये बैटर सारा। तो
तो अब इसको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने, सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने सैंडविच मेकर को बंद करना है और 5 मिनट के बाद देखते हैं कि रेडी कैसे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने सैंडविच मेकर को बंद कर दिया और इसका खोल दिया, तो कितने ज़बरदस्त से हमारे केक जो है गोल्डन ब्राउन कलर में रेडी हो चुके हैं, ये देखें। तो अभी से मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ, आपने बहुत एहतियात से निकालने क्योंकि गर्म होते हैं सैंडविच मेकर। तो ये रेडी हो चुके हैं, तो अब आपको मैं सर्व करके दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, आपके सामने रेसिपी मेरी रेडी हो चुकी है, बहुत ही यमी से सॉफ्ट एंड स्मूथ से केक रेडी हुए हैं। आप अंदर से भी देख सकते हैं कितने सॉफ्ट रेडी हुए हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आपने लाइक करना है, इसे शेयर करना है फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बगैर सब्सक्राइब के मत जाइएगा। तो अपडेट सारी दुआओं के साथ, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।